नमस्कार साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है 16 अक्टूबर से और आप निश्चित रूप से मॉड्यूल 1 का प्रशिक्षण ले रहे होंगे और मॉड्यूल 1 से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी नोट्स तैयार किए गए हैं जो आपके सामने शेयर कर रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और आशा करते हैं कि निश्चित रूप से आप इससे लाभ प्राप्त करेंगे। तो देखें क्या है। पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम व समावेशी शिक्षा मॉड्यूल का उद्देश्य नहीं है। तो आपको ऑप्शन पढ़ के सुनाते हैं, आप भी गैस करें। पहला है, असाधारण परिस्थितियों, पाठ्यचर्या व समावेशी शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर विचार प्रकट करना। व ऑप्शन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालय में भर्ती कराना। और सा प्रश्न है, समावेशी कक्षा व शिक्षा निर्माण की रणनीति बनाने में समृद्ध समझ विकसित करना। और दा है उपरोक्त में से कोई नहीं। आशा करते हैं आपने इसको गैस कर लिया होगा और आपका सही आंसर बा होगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष विद्यालय में भर्ती कराना, ये इसका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रत्येक देश का करिकुलम निर्धारित होता है उस देश की। आ ऑप्शन है, आर्थिक विकास नीति पर, बा है औसत आयु पर, सा है कृषि विकास पर, दा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। तो आपने बिल्कुल निश्चित रूप से इसका आंसर गैस कर लिया होगा और इसका आंसर है दा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो देश का करिकुलम निर्धारित होता है इस पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 है, समावेशी कक्षा में पढ़ते हैं। इसके ऑप्शन से हैं, समान मानसिक स्तर के बच्चे, व है समान आयु स्तर के बच्चे, है भिन्न भिन्न क्षमताओं वाले स्तर के बच्चे, और द है लड़के और लड़कियां अलग अलग। तो निश्चित रूप से आपने इसका आंसर गैस कर लिया होगा और इसका आंसर है सा, भिन्न भिन्न क्षमताओं वाले स्तर के बच्चे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 है, यदि हम भिन्न भिन्न स्तर के बच्चों को एक साथ लेकर चलते हैं तो आ ऑप्शन, बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, बा बच्चों में उतनी प्रगति देखने को नहीं मिलती, सा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पीछे रह जाते हैं, द उपरोक्त सभी कथन गलत हैं। तो निश्चित रूप से इसका आंसर भी आपने गैस कर लिया होगा, इसका आंसर है आ, बच्चों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 है, कक्षा में बच्चों की भिन्नता को देखते हुए, आ ऑप्शन है, शिक्षक को अपनी अध्यापन शैलियों में बदलाव करने की आवश्यकता है, बा है करिकुलम में लचीलापन कैसे ढूंढा जाए ये आवश्यक है, और सा है विभिन्न तरह की पेडागोजी व उसकी प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है, और दा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी आपने गैस कर लिया होगा, प्रश्न 5 का आंसर है दा, उपरोक्त सभी। इसमें शिक्षक को अपनी अध्यापन शैलियों में बदलाव करने की आवश्यकता होती है और करिकुलम में लचीलापन कैसे ढूंढा जाए इसकी भी आवश्यकता होती है, और सा है विभिन्न तरह की पेडागोजी व उसकी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना आवश्यक है। तो तीनों सही है इसके आंसर, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 5 का हो जाएगा द। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, नंबर 1 पाठ्यक्रम, नंबर 2 सीखने के प्रतिफल, नंबर 3 शिक्षक सहायक सामग्री, नंबर 4 पाठ्यचर्या, नंबर 5 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नंबर 6 पाठ्यपुस्तक के, और नंबर 7 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। उक्त शब्दावलियों से तीसरे क्रम पर आएगा। अब इसमें तीसरे क्रम पर क्या आएगा वो आपको इसमें गैस करना है। तो आपने गैस कर लिया होगा, तीसरे क्रम में आएगा पाठ्यचर्या, सा आंसर इसका सही है, 6 का सा, पाठ्यचर्या। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? आ
संवैधानिक मूल्य, ब धार्मिक व्यवसायीकरण, स सामाजिक न्याय, द वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो इसका आंसर भी आपने गैस कर लिया हुआ, निश्चित रूप से आंसर हो जाएगा ब धार्मिक व्यवसायीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्न में से असत कथन है। नंबर आ, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा विद्यालयों की पाठचर्या के लिए मार्गदर्शन देती है, व संघ शासित प्रदेशों व राज्यों के संदर्भ में अलग अलग होने के कारण पुस्तकों में भिन्नता हो सकती है, सा शिक्षक सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग से सूचनाओं जानकारियों को विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं, पर्दा है उक्त में से कोई नहीं। तो 8 का आंसर भी आपने निकाल लिया होगा। निम्न में से कौन सा असत कथन है? तो ये उक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि ये सारे कथन सत हैं। तो इसका आंसर द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, वर्ष 2019 तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है? आ 1, ब 2, स 3, द 4। तो निश्चित रूप से इसका आंसर भी आपने ढूंढ लिया होगा। इसका आंसर है ब 2 शिक्षा नीतियां आई। प्रश्न 10 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के आधार पर NCERT द्वारा पहली पाठचर्या की रूपरेखा किस सन में बनाई गई? प्रश्न 10, 10 का उत्तर हो जाएगा, आपने गैस कर लिया होगा। ऑप्शन बताते हैं पहले, आ 1975, व 1988, स 2000, और द 2005। तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 आ ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, वर्ष 2020 की 5+3+3+4 शिक्षा नीति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन से क्रम की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? ऑप्शन है चौथे, ब है तीसरे, स है पांचवे, द है दूसरे। तो 11वें का आंसर भी आपने गैस कर लिया होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ब तीसरे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12, NCERT ने किन कक्षाओं के लिए लर्निंग आउटकम्स का निर्माण किया है? और ऑप्शंस हैं कक्षा 1 से 5 तक, ब कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 10 तक, और द है कक्षा 1 से 12 तक। इसका आंसर भी आपने निकाल लिया होगा। जी हाँ, सही आंसर है 7, कक्षा 1 से 10 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? आ स्कूल शिक्षा में पूर्व प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक तक शिक्षा प्रबंधन के लिए निर्देश प्रदान करना, ब है विद्यार्थियों को व्यवसाय प्रदान करना, स है ये उच्च शिक्षा का भी मार्गदर्शन करती है, और द है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी आपने गैस कर लिया होगा, और इसका आंसर है ब विद्यार्थियों को व्यवसाय प्रदान करना, ये कार्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्य करेगी, किस पर कार्य करेगी? ऑप्शन 1, आ है स्कूल शिक्षा सुधार में, ब शिक्षक प्रशिक्षण सुधार में, स पाठ्यक्रम सुधार में, द उपरोक्त सभी में। तो 14 का आंसर हो जाएगा द उपरोक्त सभी में, क्योंकि स्कूल शिक्षा सुधार में जरूरी है, शिक्षक प्रशिक्षण सुधार में भी, और पाठ्यक्रम सुधार में भी। तो आप देख रहे हैं ये तीनों पॉइंट वर्तमान में रनिंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15, सीखने के प्रतिफल के संदर्भ में सत्य कथन है। ऑप्शन आ, ये ज्ञान व कौशल से परिपूर्ण ऐसे कथन हैं जो बच्चों को कक्षा पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, ब ये शिक्षक को विद्यार्थियों की जांच के लिए
यानी बच्चों की अधिगम प्राप्ति का आकलन करने में सहायता नहीं देते। सा सीखने के प्रतिफल विद्यार्थियों को एक ही प्रयास में प्राप्त हो सकते हैं। द है उपरोक्त सभी। इसका आंसर भी आपने गैस कर लिया होगा, इसका आंसर है आ। ये ज्ञान व कौशल से परिपूर्ण ऐसे कथन हैं जो बच्चों को कक्षा पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, सीखने के प्रतिफल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16। जो कक्षावार और विषयवार विषयों या प्रकरणों को पढ़ाए जाने की सूची प्रदान करता है वह है, ऑप्शंस है पाठ्यचर्या, बा ऑप्शंस पुस्तकें, सा पाठ्यक्रम, द लर्निंग आउटकम्स। तो इसका प्रश्न भी, इस प्रश्न का उत्तर भी आपने गैस कर लिया होगा, और वो प्रश्न का उत्तर है सा पाठ्यक्रम। तो दोस्तों इस मॉड्यूल पर 16 प्रश्न नोट्स तैयार किए गए थे जो आपके साथ शेयर किए। आशा करते हैं आप जरूर लाभान्वित होंगे। जब सारे मॉड्यूल 18 के 18 जब आप पूरे कर लेंगे कंप्लीट, और बाद में जब टेस्ट होगा मेरिट ऑफ में आपका चयन होना चाहिए, उस समय ये प्रश्न आपके काम आएंगे, ये प्रश्नोत्तरी काम आएगी। चाहते हैं कि आप इसका पूरा भरपूर लाभ उठाएँ, आप लाभान्वित हों, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।